इधर आपने उनकी भीड़ वाली तस्वीर देखी थी, खुद देख रहे हैं पूरब और जनता देख रही है पश्चिम। अब पता लगा है कि इन्हें स्मार्टफोन भी चलाना नहीं आता है। तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री का प्रिय जानवर सांड भी नहीं पकड़ पाएंगे। और यहाँ पर आपको याद होगा एक घटना हुई थी नवोदय विद्यालय में, जहाँ बेटी के साथ अन्याय हुआ और आरोप दुष्कर्म के भी हैं और बाद में उसकी जान चली गई। हम ही समाजवादी लोग थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी। अगर याद होगा नवोदय की जब घटना हुई थी बेटी के साथ, उस बहन के साथ हम समाजवादियों ने लड़ाई लड़ी थी। और अब तो जानकारी मिल गई होगी, ये दोषी को बचाने का काम हो रहा है सरकार में। बताओ दोषी को बचा रहे हैं कि नहीं बचा रहे हैं? और ये इसी तरह दोषी को बचा रहे हैं जैसे लखीमपुर में मंत्री पुत्र ने किसानों को कुचला था, जान लेनी थी, उसको भी बचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, ये जो जमानत पे आए हैं इन्हें जमानत जरूर मिल गई है लखीमपुर वाली घटना में, लेकिन अभी जनता की अदालत से जमानत नहीं मिली है। यही जनता भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएगी। और हम आपको भरोसा दिला रहे हैं कि जहां बेटी के साथ अन्याय हुआ है, जिन लोगों ने अन्याय किया है, जो अपराधियों को पाल रहे हैं पोस रहे हैं, अगर उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करनी पड़ेगी तो समाजवादी सरकार पीछे नहीं हटेगी, उन्हें कार्रवाई करेगी उनके ऊपर। हमारा घोषणा पत्र पढ़ लिया होगा आपने, 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी, कोई बिल नहीं देना पड़ेगा। किसानों की सिंचाई की बिजली माफ, और जब से 300 यूनिट बिजली माफ की है भारतीय जनता पार्टी की बिजली गुल हो गई है, इनका ट्रांसफार्मर उड़ गया है। अपने नौजवानों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। माताएं बहनें जो गरीब हैं उन्हें 500 रुपए नहीं, अब महीने का 1,500 पेंशन दे करके और साल का 18,000 रुपए दे करके उनकी मदद करेंगे। इसलिए इस मौके पर मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ।